बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वाले तमाम दोस्तों को पाकिस्तान प्रॉपर्टीज़ के यूट्यूब चैनल पे मैं खुश आमदीद कहता हूँ। एक बहुत बड़ी न्यूज़ के साथ आज मैं आपकी खिदमत में पेश हुआ हूँ। DHA लाहौर फेज़ 9 प्रिज़म, इसका पोजेशन अब महीनों में नहीं दिनों में होने वाला है इंशाल्लाह ताला। DHA लाहौर फेज़ 9 की तारीख, जब मैंने 2003-04 में प्रॉपर्टी का काम शुरू किया तो उस वक्त भी मैंने DHA लाहौर फेज़ 9 की पहली फाइल बेची थी, मुझे अच्छी तरह याद है। उस वक्त उसका रेट था 15 से 16 लाख रुपया और गालबन DHA लाहौर फेज़ 9 को मादरे वजूद में आए हुए 20 से 21 साल होने लगे और 20 से 21 साल बाद DHA लाहौर फेज़ 9 प्रिज़म में पोजेशन आने वाला है। DHA लाहौर फेज 9 पोजेशन जो है वो दो ब्लॉक्स में पोजेशन आने की बात बस सुनाई दे रही है, वो है क्यू और आर ब्लॉक। नाजरीन, अगर कोरोना की सूरत हाल ज्यादा नहीं खराब हुई पाकिस्तान में तो आई होप सो कि ये क्यू और आर ब्लॉक में DHA लाहौर इंशाल्लाह ताला चंद दिनों में ही पोजेशन दे देगा। बेसिकली कोविड की वजह से, कोविड जितनी तेजी से अब दोबारा से फैलना शुरू हो गया है पाकिस्तान में तो उसकी वजह से कुछ चीजों में फिर दोबारा से डिले आ सकता है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि DHA लाहौर फेज 9 प्रिज्म का जो दो ब्लॉक हैं क्यू ब्लॉक और आर ब्लॉक वो पोजेशन के लिए फुली तैयार हैं और एक्सपेक्टेड यही है कि इंशाल्लाह ताला बड़ी ही जल्दी यहाँ पे पोजेशन अनाउंस कर दिया जाएगा और ये बहुत बड़ा एक तारीखी दिन होगा DHA लाहौर फेज 9 प्रिज्म के लिए, क्योंकि 20 से 21 साल का सफर तय करने के बाद DHA लाहौर फेज 9 प्रिज्म बल आखिर जो है वो अपने पोजेशन की तरफ आ गया है। ये बहुत बड़ी न्यूज है और एक बहुत बड़ी हिस्टोरिक न्यूज होगी, एक तारीखी न्यूज होगी DHA लाहौर फेज 9 प्रिज्म में पोजेशन आने के बाद एक नई तारीख लिखी जाएगी। तो दोस्तों, ये DHA लाहौर फेज 9 प्रिज्म के बारे में एक बड़ी अहम न्यूज थी मेरे पास, वो मैंने कहा अपने देखने वाले नाज़रीन के साथ शेयर करूं। क्यू ब्लॉक में और आर ब्लॉक में होपफुली अब पोजेशन जो है वो दिनों में हो जाएगा अगर कोविड की सूरत हाल ना खराब हुई। मेरी नेक्स्ट वीडियो तक आप मेरा इंतजार कीजिएगा, नई खबर के साथ फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँगा। इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।